मणिपुर में निर्वस्त्र कर सरेआम महिलाओं से हुई ज्यादती और गत दो माह से अधिक समय से हो रही हिंसा के खिलाफ युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में मणिपुर बचाओ मार्च किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा जिलाध्यक्ष पूर्व एमएलए प्रत्याशी शिकारपुर जियाउर रहमान एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और मणिपुर हिंसा के खिलाफ मार्च किया। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में युवा कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने और केंद्र की मोदी सरकार की हिंसा में भूमिका की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की है। ज्ञापन में मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वालों को सरेआम फांसी देने की मांग की गई है। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की।